हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ वॉच कुकिंग। मैं हूं लमगांडी और आज मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए बहुत ही आसान, सिंपल और टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है दही। दही जमाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको जमाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो तो आज हम इस वीडियो पर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दही जमाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर काउ मिल्क ले ली है। अब हम ये दूध को सबसे पहले उबाल के तैयार कर लेंगे। गैस ऑन कर देते हैं और ये दूध को भी चढ़ा देते हैं। दूध में एक उबाल आने तक हम इसे एक चम्मच की मदद से इसको चलाते हुए पकाएंगे। ऐसे चलाने से दूध नीचे चिपक के जलने से भी बच जाएंगे। अब ये देखिए, हमारे दूध में उबाल आ गए हैं। इस टाइम पे गैस को बंद कर लेते हैं और हम इसको गैस फ्लेम से उतार के थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूध के टेम्परेचर को हम गुनगुना होने तक लेके आएंगे। ये देखिए, हमारे दूध जो है वो पहले से अभी थोड़ा सा ठंडा हो गए हैं। अब हम इसका टेम्परेचर सही है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। दूध बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा होने से दही नहीं जमता है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध को हम हथेली के पीछे वाले साइड, ये जो एरिया है, इसमें गिरा देते हैं और गिराते वक्त दूध का जो टेम्परेचर है आपको गुनगुना फील होगा। तो चलिए, दूध हमारी रेडी है। हम इसको थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और इस तरफ दही जमाने के लिए ऐसा एक मैंने प्लास्टिक का बाउल ले लिए हैं। ये फूड ग्रेड प्लास्टिक बाउल है। ऐसा बाउल सभी के घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और इसमें दही भी बहुत अच्छे जम जाते हैं। ये मैंने मार्केट से पहले से एक दही मंगा के रखे थे, इसी को ही मैं आज स्टार्टर बना रही हूँ। तो चलिए, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। दही आप मार्केट से कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये बहुत आसान और सिंपल है। बाहर से एक बार आप दही खरीद के लेके आ जाइए, उसी दही से आप घर पे दही जमाइए और जो जमा हुआ दही है उसी दही को आप नेक्स्ट टाइम जमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1 टीस्पून के बराबर दही निकाल लिए हैं। 1 लीटर दूध को दही जमाने के लिए 1 टीस्पून ही काफ़ी है और ये जो बचा हुआ दही है हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब ये जो दही है हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा फेंट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, दही भी तैयार हो गए हैं। अब हम इस पे दूध जो हमने उबाल के रखे थे उसको डाल लेते हैं। सारे दूध को डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से मिला लेते हैं अच्छे से। अब हम इसका ढक्कन बंद कर लेंगे और घर के किसी गर्म जगह पे इसको 6 से 7 घंटे के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। या फिर आप इसे रात को बना रहे हो तो ओवरनाइट इसको किसी गर्म जगह पे रख दीजिए और सुबह तक आपका दही बनके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने सुबह उठने के टाइम ये दही जमा हुआ था तो मैंने फ्रिज में थोड़ी देर रख दिए थे। अब हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दही एकदम बढ़िया जमा है। अब मैं इसको एक चम्मच की मदद से भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, वाओ, है ना, बहुत बढ़िया। दही हमारी बहुत सॉफ्ट भी है, क्रीमी भी है और ऊपर से इसने अपना शेप भी होल्ड करके रखा हुआ है। औच, ये गिर गया। चलिए इसको रख देते हैं और मैं दूसरे साइड से भी एक बार कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी दही तो बहुत अच्छा जमा है। अब इसे बनाना आपकी बारी है। बस इतना ध्यान में रख के बनाइएगा कि दही जमाने का दूध जो है हम उसको पहले उबालेंगे। उबालने के बाद हम उसको गुनगुना गर्म होने तक उसका टेम्परेचर लेके आएंगे। उसी टाइम में ही आपको दही जमाना है। जमाते वक्त दूध को आप घर के किसी गर्म जगह पे रखना है और दूध को बीच बीच में बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और जमने के बाद दही को हमेशा फ्रिज में ही रखें। आज का ये मेरे वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वक्त निकाल के मेरे वीडियो को खत्म होने तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं फिर और नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।